गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रश्मि सिंह, आई एम योर हिंदी टीचर ऑफ क्लास फोर्थ. सो चिल्ड्रेन, टूडेज अवर टॉपिक इज नसरुद्दीन का निशाना फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 पार्ट बी. आर बुक नेम इज रिमझिम. सो चिल्ड्रेन, टूडे वी विल रीड पेजेस 42 to 43. टू पेजेस टूडे वी विल रीड. सो चिल्ड्रन, जो आज का हमारा ये टॉपिक है नसरुद्दीन का निशाना, यह चैप्टर नंबर 5 दोस्त की पोशाक का ही एक भाग है. तो आज हम इसे पढ़ेंगे. तो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपकी कोर्स बुक आपको दिखाती हूँ. तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नसरुद्दीन का निशाना. तो बच्चों, ये क्या है, एक कहानी है जिसे हम पढ़ेंगे. एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठी बतिया रहे थे. बतियाने का मतलब होता है बच्चों बातें करना. बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया. गप का मतलब होता है बच्चों बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिया. उन्होंने क्या कहा, तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है. तीरंदाजी मतलब तीर चलाने का यदि कोई कंपटीशन होता है तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है. इसका मतलब कि मैं इतना अच्छा तीर चलाता हूँ, मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ. शूं करके तीर की आवाज़ भी बताए और ऊँ तीर सीधे निशाने पर लगता है. इतनी बड़ी बड़ी बातें नसरुद्दीन ने अपने दोस्तों के बीच करना शुरू कर दिया. दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ. उन्होंने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया कि चलो इसकी एक परीक्षा ले ली ही जाए. एक दोस्त भागा भागा गया, तीर और धनुष खरीद कर ले आया. नसरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना. उस लक्ष्य पर देखते हैं कि तुम सचमुच बोल रहे हो या फिर झूठ. नसरुद्दीन फंस गए. उन्होंने धनुष अपने हाथ में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर. शू कर कर के जो ये आवाज़ बताई गई है तीर की, तीर निशाने पर नहीं लगा बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया. हा 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 हा, सभी दोस्त हंसने लगे. क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था, उन्होंने कहा. किसने कहा बच्चों, दोस्तों ने नसरुद्दीन से कहा. अब आगे क्या होता है, हम कहानी को पढ़ते हैं. नहीं नहीं, हरगिज नहीं, यह तो काजी का निशाना था. मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है. इतना कहते हुए नसरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया. शूं करके फिर तीर की आवाज़ हुई. इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा पर निशाना फिर से चूक गया. अब देखो बच्चों, यहाँ पर नसरुद्दीन क्या बहाना बनाते हैं. दोस्तों ने कहा, यह तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसरुद्दीन. बिल्कुल नहीं, नसरुद्दीन ने कहा, यह मेरा नहीं बल्कि सेनापति का निशाना था. एक दोस्त ने ताना कसा, टोंट करके बोलते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं ताना कसना. सूची में अब अगला कौन है भाई. इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया और हंसने लगे. नसरुद्दीन खामोश रहा. उसने चुपचाप एक और तीर उठाया. नसरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया. शूं करके तीर की आवाज़ आई. इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया. सभी आश्चर्य से नसरुद्दीन की ओर मुंह बनाए ताकने लगे. इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा. क्या कहा बच्चों, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना. तो अंत में जाके नसरुद्दीन का तीर सही निशाने पे लगा. तो बच्चों, अब हमारी कहानी यही समाप्त होती है. मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.